लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया था, बेसिकली डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है तुम्हें ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिग्री मेजर दे रखा है, तुम्हें रेडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था क्या करना होता है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या करना होता है, बस मल्टीप्लाई करना होता है। तुम सिंपली डिग्री है अगर तुम्हारे पास तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ के साथ मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये सारे डेटा हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसके भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एनसीईआरटी हम का 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें क्या है, 25 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 25 के साथ पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 80 है, ठीक है। तो जब इसको हम करेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से 15 और तुम्हारा 30 यानी कि 6 यानी 36 आएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5π/36 रेडियन, यानी 25 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 5π/26 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे इस चीज को अच्छे से देखो, देखो नेगेटिव है उससे को हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने फिर तुम्हें एक और भी क्वेश्चन करा था, जैसे -30 डिग्री है तो तुम क्या करोगे, पाई बाय 180 से करोगे, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दोगे तो क्या कर दोगे, माइनस का डिग्री था तो -π/6 रेडियन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 30 डिग्री -30 डिग्री हो तो उसको हम क्या करेंगे, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यानी हमारा आंसर भी नेगेटिव में आएगा। बट इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि डिग्री के साथ क्या दे रखा है, मिनट भी दे रखा है, और हमने तो कन्वर्जन क्या सीखा है, डिग्री टू रेडियन सीखा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, उस पूरे एंगल को कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट डिग्री में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो -47 डिग्री, अच्छा इस मिनट को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो अगर इस मिनट को 60 से कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बताया था, आर का मतलब है, यानी 1 आर का मतलब क्या है, 1 डिग्री, और 1 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट ही है, और 1 सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड है। तो अगर तुम्हें मिनट से आर में जाना तो क्या करते हो, 60 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ डिग्री में जाना तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो देखोगे क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 32 जो 60 हो जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आने के बाद हमें क्या करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, कैसे बनेगा, -47 1/2 कंप्लीट डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, दिस पार्ट दिस डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 94, और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 95, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट होके क्या बना, 95/2 डिग्री बना, ठीक है। नेगेटिव का है तो नेगेटिव का लिख देते हैं। अब इसको अगर रेडियन में करना है तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 95 होता है, और ये इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले कैंसिल किया था, 36 होता है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -19π/72 आ गया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, सबको ये बात समझ में आई है, ये वाला क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड विजिबल है, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, उसमें क्या था, हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, -47 डिग्री सेकंड पार्ट में हमें देखो क्या दे रखा था, -47 डिग्री एंड 30 मिनट दे रखा था, ठीक है, हमें ये दे रखा था। तो हमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे,
47 डिग्री है, ये मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो अभी देखो ये क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब ये जो बन गया है वो क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन बन गया है। और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 94, और प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 95। तो -95 डिग्री अपॉन में 2 हो गया, अब ये कंप्लीट डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से हम क्या करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 19 पे, और ये 5 से कैंसिल होगा तो 36 पे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -19 पाई अपॉन में 72 रेडियन, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इस पूरे पार्ट को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। ये सबको विजुअल रहा ना? यस सर। एंड सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देख रहे हो, 240 डिग्री, इसका कन्वर्जन कर लोगे, इसका कन्वर्जन करके दिखाओ। फोर पाई बाय थ्री, गुड, बहुत बढ़िया। 520 का करके दिखाओ, नाइन, गुड, ठीक है। हमने किया क्या है, बेसिकली 520 डिग्री को तुमने क्या किया होगा, पाई बाय 180 से बस मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। और फिर तुमने जीरो से जीरो को कैंसिल किया होगा, और इसको दो से कैंसिल किया होगा, ये देखो 26 पे जाएगा, और ये किस पे जाएगा, 9 पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 26 पाई अपॉन में 9, ठीक है। तो ये विजिबल रहा, ये जो मैंने रेड चलाया है, अच्छा ठीक है, जरूरत भी नहीं थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सेकंड, देखो क्वेश्चन है सेकंड में क्या है, एक सेकंड, क्वेश्चन है सेकंड देखो, तो सेकंड में क्या करना है हमें, यहाँ सेकंड में डिग्री टू हमें क्या करना है, डिग्री फाइंड आउट करना है, रेडियन दे रखा है। इस बार हमें क्या दे रखा है, रेडियन दे रखा है, और डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 11/16, ठीक है। तो 11/16 रेडियन को हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 11/16 रेडियन को हमें अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, 180/पाई से, ठीक है। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या होगा, कि कुछ पार्ट कैंसिल होगा। तो कुछ पार्ट कैसे कैंसिल होगा, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, 180 को 16 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो 16 हम 180 को 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 45, और 16 को 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 45 इंटू 11 अपॉन में पाई इंटू 4, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब पाई की जगह हम क्या ले सकते हैं, 22/7, यानी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पाई की जगह क्या रख दिया, 22/7 रख दिया, ठीक है। तो 22/7 रखा है, तो अब 22 को 11 से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, तो फिर हमारे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 315 अपॉन में 8 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बट अब डिग्री को, डिग्री क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से हमें इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा क्या आ जाएगा, 39/3/8 डिग्री आ जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब 39 डिग्री तो बिल्कुल कंप्लीट है, बट 3/8 कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये मिनट में आ जाएगा। अब मिनट में आने के बाद इसको दोबारा से क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या कर सकते हो, चाहो तो 4 से पहले कैंसिल कर देना, 8, 4, और 15, तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 by 2, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 वन बाय टू आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 22 वन बाय टू मिनट में आ गया। ठीक है, अब देखो 22 तो पूरा मिनट है, 22 क्या है, पूरा कंप्लीट मिनट है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, बट जो ये 1/2 मिनट है ये फ्रैक्शन में है, इसको फिर हमें सॉल्व करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से 60 से इसको क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 सेकंड्स हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 39 degree 22 minute 30 seconds हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हमने रेडियन टू डिग्री टू रेडियन में पूरा कन्वर्ट कर दिया, सॉरी रेडियन टू क्या कर दिया, डिग्री में पूरा कन्वर्ट कर दिया। ये वाला सबको समझ में आया? ठीक है, ये थोड़ा सा थोड़ा हट के है, जो जितना मैंने तुम्हें बताया था बिल्कुल बेसिक था, ये फ्रैक्शन में आ गया, इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लग रहा होगा, बट इसका नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो। -4 को तुम्हें क्या करना है, -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो माइनस को माइनस ही रहने देंगे। ठीक है, -4 को हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7। ठीक है, तो 22 तो डिनोमिनेटर में रहेगा, बट 7 क्या जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें देख रहे हो कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो 4 से तुम कैंसिल कर सकते हो, 4 टू जा, मतलब 4 को 2 से कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, 11 22 को 2 से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से ये क्या आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, -229। ये तो कंप्लीट डिग्री आएगा, बट 1/11 क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में आ गया। अब उसको दोबारा से डिवाइड करेंगे तो हमारा दोबारा से एक फ्रैक्शन आएगा, 5/11। ठीक है, उसको फिर हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा, -229 degree 5 minute 27 seconds। ठीक है, तो इसको सभी ट्राई करो और सॉल्व करो, और सबसे हो रहा है कि नहीं ये देखो, डिवाइड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मे भी तुम्हें समय लग रहा है, तो उसको बाद में ट्राई करना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जब तक। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में क्या है, 5π/3 है, क्या है, 5π/3 है, इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको तो डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, 180 बाय पाई फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें देखेंगे पाई के साथ पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम 3 के साथ क्या करेंगे, 180 को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या जाएगा, 60 पे जाएगा, अब 60 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी था। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा 7π/6, ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि पाई बाय सिक्स को तुम क्या बोलते हो, 30 डिग्री बोलते हो, और 30 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ईजी है। ठीक है, इन दोनों को कर लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। साथ के साथ नोटबुक में सॉल्व करते रहना, ताकि तुम्हें बाद में फिर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में कितने बना रहा है, 360 रिवॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने रेडियन ये टर्न करेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, 360 को 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट देखो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हुए, 6।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 6 रिवॉल्यूशन होंगे। अच्छा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है, एक पूरा सर्कल जब बनता है तो उसे एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जब एक पूरा सर्कल बनता है, ठीक है, जब पूरा एक सर्कल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक कंप्लीट सर्कल बनाने में जो हमारा एंगल लगता है वो कितना लगता है, 360 डिग्री लगता है। ठीक है, मैं बोलूं एक कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल बनेगा तो तुम क्या बोलोगे, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, हम 2π बोलते हैं। 360 को क्या बोलते हैं, 2π बोलते हैं। ठीक है, और ये एक रिवॉल्यूशन का है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना होगा, 2π होगा। तो अगर हमसे बोला जाए 6 रिवॉल्यूशन यानी 6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, तो हम 2π को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 12π आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एंगल जो बनेगा, ठीक है, रेडियन में, वो कितना बनेगा, 12π बनेगा। ठीक है, इस चीज को एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा था, यानी 360 ही चक्कर लगा रहा था। ठीक है, तो एक मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकंड्स में 360 ही चक्कर लगा रहा था। तो मैं तुमसे पूछूं एक सेकंड में कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, 360 को 60 से डिवाइड कर दो तो कितना रिजल्ट आएगा, 6, यानी 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, और एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। बट हमसे आंसर पूछा है रेडियन में, तो हम क्या बोलेंगे, 360 किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2π रेडियन के इक्वल होगा। और 6 रिवॉल्यूशन पूछे जा रहे हैं, तो 6 दुनी 12, यानी 12π हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा रेडियन में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम्हारे पेपर में बहुत बार आया हुआ भी है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, एंड ये बात समझ में आ गई है, थर्ड क्वेश्चन डन सबका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या दे रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। हमें क्या दे रखा है, एक रेडियस दे रखा है। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। और लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें ना फिजिक्स में पैरेलेक्स मेथड सिखाया था। ठीक है, तो पैरेलेक्स मेथड में मैंने तुम्हें क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। ठीक है, पैरेलेक्स मेथड में क्या बताया था, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। और यहाँ जो थीटा होता है, ध्यान देना, यहाँ जो ये थीटा होता है ये हमेशा किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। यहाँ पे जो ये थीटा रहेगा, जो एंगल निकलता है, हमेशा किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। ठीक है, कभी भी ये डिग्री में नहीं निकलता, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिग्री पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी एंगल पूछा जा रहा है, यहाँ जो एंगल निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, उस रेडियन को हम क्या करेंगे, बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एंगल निकालना बहुत आसान है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर है, तो लेंथ हमें दे रखा है और क्या दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, तो हमारा तुरंत थीटा आ जाएगा। तो थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, 22/100 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, थीटा हमारा क्या बन जाएगा, 22/100 रेडियन। ठीक है, अब बट ये क्या है, रेडियन है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/π से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो 22/7 हमने यूज किया है, तो 22 से क्या हो जाएगा, 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जीरो से हम क्या कर सकते हैं, 100 के जीरो से 180 के जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 18 को तो 9 होगा, और 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली, और सॉल्व करके फिर हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आएगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको डिवाइड में करेंगे। पहले तो डिग्री निकाल लेंगे, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। और फिर जो मिनट का आएगा उसको फिर हम किस में करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम क्वेश्चन नंबर फोर सबको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। सर्कल है जिसका डायमीटर क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका डायमीटर क्या है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो डायमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर है, तो मैं तुमसे पूछू रेडियस कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, देखो कॉर्ड हम उसे बोलते हैं जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, ठीक है, वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ए बी है वो क्या हो गया, हमारा कॉर्ड हो गया, ठीक है। ये देखो सर्कल को क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे टच कर रहा है ए और बी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अच्छा, सेंटर से जो ये सेंटर ओ है उससे अगर हम ए तक का डिस्टेंस लगाए, मतलब डिस्टेंस मतलब उसको क्या करें, ए से ज्वाइन करें, तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। और अगर ये रेडियस है तो किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि हम रेडियस डायमीटर क्या है 40 है, तो रेडियस कितना होगा 20 होगा। एंड साथ में हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी जो ए बी दे रखा है वो भी 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए ओ बी, ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो इसका एंगल होगा, जो इसका एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है, कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री है, और अगर हम इस 60 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहें तो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो पाई बाय 3 रेडियन यानी कि हमारे पास थीटा रेडी है, यानी थीटा हमारा कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखो हमारे पास जो सर्कल का जो भी एक कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा हो, जैसे ये ए बी है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। सर्कल का कोई भी एक तुम कट करोगे एक छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो एक आर्क तुम्हारा ए बी में छोटा वाला बन रहा है, और एक आर्क क्या बन रहा है, जब दूसरी साइड से देखोगे तो बड़ा वाला आर्क बनेगा। बट हमसे कुछ क्या पूछा जा रहा है, माइनर आर्क पूछा जा रहा है। तो माइनर आर्क पूछा जा रहा है, तो थीटा हम क्या लेंगे, पाई बाय 3, और लेंथ हमसे पूछा जा रहा है बट रेडियस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा की जगह क्या रखा, पाई बाय 3, लेंथ तो हमें निकालना है, रेडियस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, तो हमारा लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, 20 पाई बाय 3, लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा, 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तुम्हारा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में, वैसे तो ये नहीं दे रखा, बट इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछ लेता लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछता, तो तुम क्या लेते, ये बड़ा वाला एंगल लेते, 60 डिग्री नहीं लेते, ठीक है, तुम कितना लेते, 300 डिग्री लेते, ठीक है। और 300 डिग्री को ध्यान रखना, पहले तुम क्या करते, रेडियन में कन्वर्ट करते, फिर थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला लगाते, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया जो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला तभी लगेगा जब थीटा क्या हो, रेडियन में हो। अगर थीटा को तुमने वहां पे डिग्री में लेके सॉल्व कर दिया तो तुम्हारा आंसर गलत होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर में जो ये थीटा होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, मेजर वाला दोबारा समझाना है। देखो कंप्लीट सर्कल का अगर मैं तुमसे एंगल पूछूं तो कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो अंदर की तरफ अगर बोलूंगा मैं AOB, अंदर की तरफ 60 डिग्री है, तो बाहर की तरफ कितना एंगल बनेगा, 360 में से 60 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बनेगा, 300 डिग्री बनेगा, है ना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बस थीटा की जगह जहां तुमने ना 60 डिग्री रखा था, वहां 60 डिग्री की जगह अब क्या रखोगे, 300 डिग्री रखोगे। बट 300 डिग्री ना, ध्यान रखना, डिग्री नहीं रख सकते, तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, रेडियन रखना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना, उसके बाद थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला लगा देना, और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, यानी एल की वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, और एंगल क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। एक बार एंगल यानी एक बार थीटा तुम्हें क्या दे रखा है, 60 डिग्री, एक बार थीटा क्या दे रखा है, 60 डिग्री, और ध्यान दो ये डिग्री में है, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 3, ठीक है।
और दूसरा जो थीटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो तुम देखोगे 5π/12 आएगा, ठीक है। रेडियन में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5π/12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या दे रखे, थीटा दे रखे, थीटा वन थीटा टू, ठीक है। अब जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर है। तो अगर मैं थीटा वन बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर वन लिखूंगा। देखो यहाँ एल की वैल्यू क्या जाएगी, थीटा आर हो जाएगी। एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर थीटा, ठीक है। तो लेंथ सेम है, क्या है लेंथ, क्या है दोनों में सेम है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, रेडियस वन मल्टीप्लाई बाय थीटा वन, थीटा वन क्या था, पाई बाय थ्री है, थीटा वन क्या था, पाई बाय थ्री, तो पाई बाय थ्री पुट कर दिया। और दूसरा जो लेंथ है वो क्या है, आर टू लिखेंगे, और वहां पे क्या लिखेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 5π/12 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने के बाद पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से आर वन बाय आर टू का क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 5/4। आर वन बाय आर टू का क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 5/4, ठीक है। ये तुम्हारा अभी स्टार्टिंग है, तो मे भी थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, बट अभी जैसे जैसे क्लासेस होनी शुरू हो जाएंगी मैं तुम्हें इसके शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दूंगा कि दो चीजों को कैसे रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और तुम देखने के साथ ही रेशियो बता पाओगे कि क्या आएगा, ठीक है। तुम्हें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कंपटीशन में तुम्हें सिखाऊंगा कि थीटा कैसे निकालते हैं सीधा, और रेशियो तो निकालने का बहुत ही आसान तरीके होते हैं, तुरंत देखने के साथ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे और सीधा आंसर टिक करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। 7th देखो एक बार, तो 7th में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। अच्छा यहाँ भी एंगल निकालना है, रेडियन में निकालना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक पेंडुलम ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसे एक पेंडुलम रहा होगा, ठीक है। तो ये पेंडुलम क्या है, ऐसे है। तो इसका जो लेंथ दे रखा है, तुम्हें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ क्या दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब एन लेंथ आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर ये एक आर्क बनाता है, क्या बनाता है, एक आर्क बनाता है कितने का, 10 सेंटीमीटर का। आर्क कितने का बना रहा है, 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा कितना बनेगा। तो ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है वो रेडियस का काम करेगा, और लेंथ ऑफ आर्क भी तुम्हें दे रखा है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ थीटा का सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, एल बाय आर, और लेंथ की जगह क्या रखेंगे, 10, और आर की जगह क्या रखेंगे हमारा, 75 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हम क्या देखेंगे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे जाएगा, और 5 से कैंसिल होगा तो ये क्या जाएगा, 15 पे जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/15। इसके सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 10 की जगह हम क्या कर देंगे, 15 पुट कर देंगे। 10 की जगह क्या करेंगे, हम 10 की जगह सिंपली क्या करेंगे, 15 पुट करेंगे, और इस बार कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में लेंथ की जगह क्या रखना है, 21 रखना है। तो 21 रख के कैंसिल कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, तुम्हारा सॉल्व हो गया।